नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में अपनी सत्ता को गवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, और इस वक्त शिवसेना के चुनाव चिन्ह को बचाने के लिए वह जंग लड़ रहे हैं मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट से। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हुए नजर आ रहा है पक्ष और विपक्ष। 27 सितंबर के दिन अगली सुनवाई होने को जा रही है, और ऐसे में जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे कई बड़े ऐलान कर रहे हैं, उन्होंने डंके की चोट पर कह दिया है कि महाराष्ट्र में अगली बार फिर से शिवसेना की ही सरकार रहेगी, लेकिन दूसरी ही तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कह दिया है कि आने वाले समय में उनकी सरकार बनेगी, जितने भी चुनाव होंगे उनमें वह जीत हासिल करेंगे, लेकिन अगर हार होती है एक भी विधायक की तो वह राजनीति ही छोड़ देंगे। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से बीएमसी चुनाव को लेकर सियासत तेज है, इस वक्त इंतजार है चुनाव आयोग के फैसले का। चुनाव आयोग के फैसले पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द कोई भी फैसला ना सुनाए। सबसे पहले आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ले जाएंगे और इसके बाद अपने सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार शिंदे गुट कितना सही है, क्या शिंदे गुट गलत है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें रखी, तो वहीं शिंदे गुट के वकील हरीश सालवे ने भी अपनी दलीलों को रखा है। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि 27 सितंबर तक जो सुनवाई दी गई है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिंदे गुट की तरफ से नीरज किशन कॉल ने कहा कि बीएमसी के चुनाव हैं और सिंबल का मसला चुनाव आयोग के सामने है, ऐसे में आयोग की कार्यवाही पर रोक हटा दी जाए, और अपील की है कि कोर्ट चुनाव आयोग को सिंबल मामले पर कार्यवाही आगे बढ़ाने का निर्देश दे और अपने पिछले आदेश को वापस ले। दूसरी ही तरफ गौर किया जाए यहाँ पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ, उन्होंने यहाँ पर बात कही एकनाथ शिंदे गुट की ओर से नामी अधिवक्ता हरीश सालवे के सामने अपना पक्ष रखा। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ठाकरे सरकार को गिराते समय संविधान का उल्लंघन किया गया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी भी सरकार को गिराया जा सकता है। वहीं हरीश सालवे ने कहा कि यदि विधायकों ने बगावत की है तो इसमें गलत क्या है, उन लोगों ने किसी और दल का दामन नहीं थामा, ऐसे में इसे दल बदल नहीं माना जा सकता है। उन्होंने कह दिया कि पार्टी में रहना और आवाज उठाना बगावत नहीं है, अगर पार्टी के विधायक अपना नेता बदलना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है। इस तरीके से यहां पर अपनी बातें रख दी हैं हरीश सालवे ने, और साथ ही साथ यहां पर अपनी बात रखी कपिल सिब्बल ने। कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कह दिया है कि या तो शिंदे गुट यहां पर किसी अन्य पार्टी के साथ विलय हो जाए या फिर अपनी पार्टी का गठन कर ले। अब यहां पर 5 जजेस की संविधान पीठ को यह मामला सौंप दिया गया है, 5 जजेस इस पर अब जल्द ही सुनवाई करेंगे। क्या कुछ यहां पर 5 जजेस ने अपनी बात रखी और शिंदे गुट किस तरीके से अब मजबूर होता हुआ दिखाई दे सकता है, आगे आपको ले चलते हैं हमारे न्यूज रूम और जहां पर जानेंगे कि सहयोगियों की क्या कुछ राय है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अब तक मामला कहां तक पहुंच चुका है, 27 सितंबर को अब सुनवाई होने वाली है, और ऐसे में यहां पर तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। जानने के लिए हम चर्चा करने वाले हैं हमारी सहयोगी किरण के साथ, जिनसे हम जानेंगे कि इस वक्त दशहरा रैली को लेकर सियासत तेज है और उद्धव गुट को इजाजत पूरी तरीके से मिल चुकी है शिवाजी पार्क में रैली निकालने की, लेकिन ऐसे में अब शिंदे गुट को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि अब शिंदे गुट हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर सकता है, तो आपकी क्या राय है किरण इस पर? देखिए, महाराष्ट्र में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अभी सियासत गरमाई हुई है, न केवल एक दशहरा रैली बल्कि शिवसेना पार्टी को लेकर भी महाराष्ट्र की राजनीति अभी गरमाई हुई है, और बीएमसी चुनाव को लेकर भी। जैसा कि आपने मेरे से सवाल किया कि दशहरा रैली को लेकर, देखिए शिवसेना के बाद दूसरा ऐसा मुद्दा आता है दशहरा रैली, जिसको लेकर एकनाथ शिंदे वर्सेज उद्धव ठाकरे हमने देखे, और फिर उसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में आता है। उसके बाद अब एकनाथ शिंदे की आने वाले समय में क्या प्रतिक्रिया होगी, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन शिवसेना पार्टी को लेकर भी तमाम ऐसे आरोप है जो लगाए जा रहे हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से भी और एकनाथ शिंदे की तरफ से भी। अब ऐसे में 27 सितंबर को अगली सुनवाई होने वाली है, अब दोनों ही गुटों की नजरें बनी हुई है 27 सितंबर पर कि आखिर 27 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम फैसला आएगा वो किसके पक्ष में आएगा, क्या उद्धव ठाकरे के पक्ष में आएगा या फिर एकनाथ शिंदे। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब शिंदे गुट रुख कर सकता है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब एकनाथ शिंदे अपना रुख कर सकते हैं, हालांकि उससे पहले भी लड़ाई चल रही थी दशहरा रैली को लेकर, और हम आपको बता दें कि बीकेसी मैदान में फिर एकनाथ शिंदे ने बोल दिया था कि वो अपनी रैली वहीं पर कर
करेंगे दशहरा रैली, लेकिन हम आपको बताते चले शिवाजी पार्क सबसे ज़्यादा फेमस पार्क है और वहाँ पर माना जाता है कि जो असली शिव सैनिक है वो वहीं पर ही अपनी रैली करते हैं। लेकिन सबसे पहले आवेदन किया गया था उद्धव ठाकरे की तरफ से, उसके बाद हालांकि एकनाथ शिंदे की तरफ से किया गया था। अब हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उद्धव ठाकरे के पक्ष में, लेकिन अब एकनाथ शिंदे रुक कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला क्या सुनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया किरण अपनी राय रखने के लिए। जैसा कि किरण ने भी यहाँ पर कहा है कि फिलहाल तो वह भी इंतज़ार कर रही हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएंगे। आगे हम जानेंगे हमारी सहयोगी कशिश से कि महाराष्ट्र में जो इस वक्त देखने को मिल रहा है, ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट कहीं ना कहीं हारता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला अब उद्धव ठाकरे के पक्ष में सुना सकती है? जिस तरीके से दशहरा रैली को लेकर हमने देखा है कि उद्धव की बहुत ही बड़ी जीत हुई है, क्या बागी विधायकों को पूरी तरीके से मना सकती हैं रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे? देखिए, ये बात तो पूरी तरीके से माने जा सकते हैं कि यहाँ पर किसी ने नहीं सोचा था कि हाईकोर्ट यहाँ उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला लेगा। अब कहीं ना कहीं शिंदे को ये सोचना चाहिए कि उनकी बहुत बड़ी हार हुई है इस बात में। और आपने जहाँ बात की कि आदित्य ठाकरे, रश्मि ठाकरे क्या बागी विधायकों को मना सकते, देखिए बागी विधायक भले ये कहकर गए हो एकनाथ शिंदे के साथ कि हम असली शिव सैनिक है, लेकिन हर किसी को पद चाहिए और जब तक उन्हें वो नहीं मिलेगा तब तक वो लोग नाराज़ रहेंगे। अब नाराज़गी बढ़ती जाएगी तो कब वो यहाँ पर एकनाथ शिंदे को छोड़ दे उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर रश्मि ठाकरे की मेरे को लगता है शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बागी विधायक खुद ही उद्धव ठाकरे की तरफ जाते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कशिश अपनी बात रखने के लिए। कशिश ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि बागी विधायक कहीं ना कहीं अब रश्मि ठाकरे, उद्धव ठाकरे की तरफ रुख कर सकते हैं, मातोश्री में शायद उनकी वापसी जल्द से जल्द हो सकती है। ऐसे में देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाकई में यहाँ पर 100 सवाल खड़े कर रहा है। आगे हम जानेंगे हमारे तमाम सहयोगियों से, क्या वाकई में शिंदे गुट अब यहाँ पर हार मानते हुए नजर आ सकता है? कपिल सिब्बल ने जो दलीलें रखी, हरीश तालवे ने जो दलीलें रखी हैं, ऐसे में अयोग्य ठहराने को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसको लेकर हमारे सहयोगी से जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या वाकई में अब शिंदे गुट हारता हुआ नजर आ सकता है? अबरार से हम जानना चाहेंगे कि वह महाराष्ट्र की सियासत को लेकर अब इस वक्त क्या सोचते हैं। देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे ने एक बड़ी बगावत की, उसके बाद से लगातार आप देखिए कि लगातार एक गहमागहमी लगातार बढ़ रही है महाराष्ट्र की सियासत में, और अभी तक सरकार जो है वो स्थिर सरकार नहीं मानी जा रही, क्योंकि कोर्ट के फैसले और चुनाव आयोग के फैसले आने के बाद हो सकता है कि सीएम एकनाथ शिंदे की मुश्किलें जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाए और उसमें और ज़्यादा मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से तमाम जो विधायक है उनके साथ बने हुए बागी विधायक, उनको लेकर के भी बड़ी शंका ये जाहिर की जा रही है कि वो विधायक अगर जहाँ तक दूसरे कैबिनेट विस्तार की बात है, अगर उसमें अगर उनको जगह नहीं दी जाती है तो जाहिर सी बात है कि वो फिर से एक बार बगावत की ओर जा सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं सीएम एकनाथ शिंदे के लिए, सरकार के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अबरार ने यहाँ पर बात रखी है कि अब उनका मुख्यमंत्री पद कहीं ना कहीं खतरे में पड़ता हुआ नजर आ सकता है। आगे हम जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी आसिफ जी से कि आखिरकार उनकी क्या राय है यहाँ पर, क्या एकनाथ शिंदे वाकई में अब हारते हुए नजर आ सकते हैं, क्या शिंदे गुट अब ठाकरे परिवार के सामने झुकता हुआ दिखाई दे सकता है, क्या वाकई में 5 जजों का जो फैसला होगा वह शिंदे गुट के खिलाफ नजर आ सकता है? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, दोनों गुटों की निगाहें इस वक्त भले ही इस पर बनी तो हुई ज़रूर है, और अदालत में भी जो है मामला डेली टलता जा रहा है, इस महीने के आखिर में है, तो वाकई में बीएमसी का चुनाव हो या फिर दशहरे को लेकर जो इस वक्त गहमा गहमी दोनों पार्टियों के बीच मचा हुआ है, तो लाजमी है कि निगाहें तो बनी हुई है, और वाकई में इस फैसले पर ही जीत हार की भी जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई में उस फैसले पर डिपेंड करता है कि किसकी जीत किसकी हार होगी, लेकिन ये सब चीज़ तभी फैसला होगा जब वो फैसला आ जाता है कि क्या होता नहीं। लेकिन देखिए, उद्धव ठाकरे अब मुझे नहीं लगता कि वो चुप बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, और वही एकनाथ शिंदे के लिए भी उतनी परेशानी, भले वो सीएम पद पे हैं, वो अपनी जगह पे है, लेकिन परेशानी दोनों के लिए, देखते हैं कि फैसला क्या आता है। आपसे हम जानना चाहेंगे आपके मुताबिक वाकई में शिवसेना आप किसकी हो सकती है, उद्धव गुट की या फिर शिंदे गुट की? देखिए, जिस तरीके के दलील दिए गए हैं इस हिसाब से कपिल सिब्बल जिस तरह से अपनी बात कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के हाथ में कुछ नहीं है, या तो वो दूसरा अपनी पार्टी बना ले या बीजेपी में शामिल हो जाए, तो इस लिहाज से असली शिवसेना तो है, विरासत को अगर हम लोग गौर फरमाए तो हमें समझ में आता है कि उन्हीं की है। लेकिन देखिए, कोर्ट है, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, तो हम सिर्फ जो है अपनी चर्चाएं कर सकते हैं, जो सबूत है उस आधार पे कह सकते हैं, लेकिन कोर्ट है, उनका इंतजार तो करना चाहिए कि उनका फैसला क्या आता है, देखते हैं, लेकिन चांसेस हैं कि उद्धव ठाकरे के हक में आ सकता है।
जैसा कि यहाँ पर हमारे तमाम सहयोगियों ने अपनी बात रखी है, उन्होंने दावा कर दिया है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की जीत हो सकती है। ऐसे में देखा जाए पांच जजेस के फैसले का जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा है, एकनाथ शिंदे और उनका गुट कहीं ना कहीं यहाँ पर अब शायद झुकता हुआ नजर आ सकता है, या फिर जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने कहा कि या तो उन्हें बीजेपी में विलय हो जाना चाहिए या अपनी पार्टी का गठन कर लेना चाहिए, नहीं तो ये तो अवैध सरकार ही कहलाएगी। लेकिन आपकी क्या राय है इस पर, आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल तो 27 सितंबर का इंतजार है, आखिरकार कोर्ट का क्या कुछ फैसला होता है ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस प्रोग्राम में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।